नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनबॉक्सिंग टाइम पर। तो आज की वीडियो हम इन तीनों ईयरफोन का रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों ईयरफोन में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है। अंडर 1000 रुपीज में ये तीनों ईयरफोन काफी पॉपुलर हैं। ये है JBL का C100SI और यह है Sennheiser CX180 और यह है सोनी का। यहाँ पर मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, काफी बड़ा है इसका मॉडल नंबर। ये है MDR EX 150 AP। ठीक है, तो चलिए इन तीनों ईयरफोन को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि इनका प्राइस क्या है, साथ ही में तीनों में से आप सभी को कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ईयरफोन को मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और तीनों ईयरफोन के साथ आप सभी को एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सोनी का ईयरफोन है ना, इसके साथ आप सभी को एक्स्ट्रा ईयरबड्स तो मिल ही जाते हैं, साथ ही में आप सभी को इसके साथ एक वायर ऑर्गेनाइजर भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने वायर को कुछ इस तरीके से लपेट के रख सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इन तीनों ईयरफोन को टेस्ट कर लेते हैं कि किसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोनी के ईयरफोन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एल शेप का गोल्ड प्लेटेड ऑडियो जैक मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी वायर की क्वालिटी की, तो वायर की क्वालिटी ठीक ठाक दी गई है, उतनी शानदार नहीं है लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप सभी को इस ईयरफोन में माइक का सपोर्ट मिल जाता है और माइक के अलावा इसमें आपको कोई भी बटन नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ड्राइवर के बारे में, तो इसमें आपको 9mm का ड्राइवर मिल जाता है। ईयरफोन पूरी तरीके से प्लास्टिक से बने हुए हैं। ईयरफोन के ऊपर आपको राइट और लेफ्ट का सिंबल मिल जाता है और ये आगे की साइड से थोड़े से टिल्ट है, जिसकी वजह से आपके कानों में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। दोस्तों ये जो JBL का C100SI है, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एल शेप का ऑडियो जैक तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड 3.5mm जैक जरूर से मिल जाता है। इसकी क्वालिटी मुझे सोनी से काफी बढ़िया लगी। ये जो बिल्ड है ना इसकी, वो सोनी से मुझे ज्यादा अच्छी लगी है। अगर मैं बात करूं इसकी वायर की क्वालिटी की, तो इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो भी सोनी से काफी बेहतर है, काफी बढ़िया किस्म की दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपको माइक का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन माइक के अलावा आपको कोई भी बटन नहीं मिलता। पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके ड्राइवर साइज के बारे में, तो इसमें भी आपको सेम 9mm का ड्राइवर मिल जाता है। ईयरफोन के ऊपर आपको राइट और लेफ्ट का सिंबल मिल जाएगा। इसका भी जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा सा टिल्ट है, जिसकी वजह से ये भी आपके कानों में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके नीचे की वायर की बात करें, तो नीचे की वायर ठीक ठाक दी गई है, जैसा कि आपको सोनी में वायर मिलता है ना, सेम इसमें भी आपको वैसा ही वायर मिल जाता है। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर के ईयरफोन की, तो यह है Sennheiser CX180। ये ईयरफोन काफी पॉपुलर है अपने प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको Sennheiser की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको काफी बढ़िया किस्म का एल शेप का ऑडियो जैक मिल जाता है और ये गोल्ड प्लेटेड भी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। तो सोनी है उसके मुकाबले मुझे बाकी दोनों ईयरफोन की वायर क्वालिटी काफी बढ़िया लगी है। दोस्तों ये जो CX180 है, मुझे इसमें एक ही कमी लगी है कि इसमें आपको माइक का सपोर्ट नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको माइक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ Sennheiser CX180 के ड्राइवर साइज के बारे में, तो इसमें आपको 10mm का ड्राइवर मिल जाता है। बाकी दोनों ईयरफोन से इसमें जो ड्राइवर साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपको इसमें भी राइट और लेफ्ट का सिंबल मिल जाता है। यहाँ पर इसकी जो बनावट है, इसका जो लुक है, वो भी काफी बढ़िया किस्म का दिया गया है। ये भी ईयरफोन आपके कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, छोटे होने के कारण आपके कानों में अच्छी तरीके से छुप जाते हैं। इसके नीचे की वायर क्वालिटी की बात करूं तो ये उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मुझे लगे हैं। तो चलिए अब जल्दी से तीनों ईयरफोन के साउंड क्वालिटी को हम टेस्ट कर लेते हैं और जानते हैं तीनों में से सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी है। तो दोस्तों इन तीनों ईयरफोन को मैंने अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है और इन तीनों में से इन दोनों ईयरफोन को मैंने कॉल करके भी टेस्ट कर लिया है, साथ ही मैं साउंड को रिकॉर्ड करके भी टेस्ट कर लिया है, ताकि आपको इनके माइक के बारे में भी बता सकूं कि दोनों में से सबसे बेस्ट माइक की क्वालिटी किसकी है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों में से साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी किसकी बेटर है। तो वैसे तो तीनों की साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी अमेजिंग किस्म की है, क्योंकि तीनों ही काफी पॉपुलर ब्रांड है। लेकिन ये जो Sennheiser का CX180 है ना, इसका साउंड, इसका बेस मुझे थोड़ा सा बेटर लगा इन दोनों के मुकाबले। बाकी तीनों में आपको साउंड अच्छे मिलेंगे, तीनों के साउंड आपको पसंद आएंगे। अगर मैं बात करूं माइक की क्वालिटी के बारे में, तो इन दोनों की माइक की क्वालिटी लगभग एक ही जैसी है, लेकिन ये जो सोनी का ईयरफोन है ना, इसकी माइक क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है,
क्योंकि इसमें जो नॉइस है वो काफी कम आता है। तो दोस्तों ये तीनों ईयरफोन काफी बढ़िया है, तीनों में ही आपको बढ़िया किस्म के साउंड और बेस मिल जाते हैं। बस ये जो सेनाइजर का CX180 है इसमें आपको माइक का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी ईयरफोन परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको सस्ता मिल जाए वही ईयरफोन आप परचेज कर लीजिएगा। तीनों का लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से चेक कर सकते हैं या फिर आप तीनों में से कोई एक परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।